चलिए तो अब जो है चलते हैं भागलपुर की ओर। अब भागलपुर में अजय कुमार मंडल जी लगभग 2,67,669 मत लाए हैं, जो लगभग अजीत शर्मा से 60,000 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। चलिए अब अगर बात की जाए बक्सर की, चलिए तो बक्सर की ओर चलते हैं। बक्सर में सुधांकर सिंह जी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, जो लगभग 2,14,184 मत लाए हैं और 2,842 मतों से मिथिलेश तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मात्र 2,842 मतों से आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं दोनों के बीच मतों का जो अंतराल है मात्र 2,842 है, कह सकते हैं 2,11,342 मत जो है मिथिलेश तिवारी जी को मिला है। चलिए तो ये था बक्सर का परिणाम। बक्सर में सुधांकर सिंह जी जो हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, बहुत ही 2,842 मतों से जो है आगे चल रहे हैं। अब जो है चलते हैं बक्सर के बाद दरभंगा, चलिए दरभंगा की ओर चलते हैं। और दरभंगा में अब तक कहें तो 3:08 गोपाल जी ठाकुर जो 5,17,870 मत लाए हैं, जो भारतीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगभग कह सकते हैं 1,57,700 मतों से आगे चल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल वहाँ जो है काफ़ी पीछे है, कह सकते हैं बहुत ही पीछे है राष्ट्रीय जनता दल। चलिए बक्सर में दरभंगा में तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर जो है आपको लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग फिलहाल किस लोकसभा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप चलते हैं गया की ओर, गया में कौन आगे चल रहा है। गया में जीतन राम मांझी लगभग 1,00,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी लगभग 4,92,732 मत ला चुके हैं। गया में जीतन राम मांझी जी लगभग 1,00,000 वोट से जो है आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं सारी स्थिति परिस्थिति को जो है हम यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको हकीकत सब तक पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग जो है लाइव में बने रहिएगा और बिल्कुल हकीकत सब तक पर ये तस्वीर जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारी स्थिति और परिस्थिति को जो है दिखाने का प्रयास कर रहे थे और आप लोग जो है कहाँ से जुड़ रहे हैं वो भी जो है लाइव के माध्यम से दिखाना प्रयास करेंगे और बतलाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिलहाल जो है चलिए माफ़ी चाहते हैं, मोबाइल जो है काफ़ी हीट हो गया और ये बराबर जो है हमारा डिस्प्ले और ये आवाज़ में जो है कुछ समस्या हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। और आप लोग जो है थोड़ा सा ये लाइन में बने रहिएगा क्योंकि आवाज़ का भी समस्या रहा होगा और बराबर ये जब हम उसे ठंडा करने का प्रयास करते हैं तो ये बराबर हिलते भी नहीं रहा होगा, इसके लिए जो है आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो गया की बात कर रहे थे और गया में जो है जीतन मांझी जी कहें तो लगभग 1,00,000 मतों से जो आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कुमार सर्वजीत जी हैं, लगभग 3,90,469 मत लाए हैं, लगभग 1,00,000 मतों से जो है पीछे चल रहे हैं। चलिए तो सीधी तस्वीर जो है हम आपको यहां से दिखाने का प्रयास कर रहे थे और अब जो है फिलहाल बात करते हैं फिलहाल जो है आगे की बात करते हैं। तो आगे जो है अब चलते हैं गोपालगंज, और गोपालगंज में जो है कौन आगे चल रहा है वो भी जो है देख लेने का प्रयास करते हैं। तो गोपालगंज में आलोक कुमार सुमन जी कहें तो आलोक कुमार जी का ये देखते हैं, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है अब फिलहाल, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे क्या दिक्कत है वो भी जो हम देख लेने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आप लोगों का जो है कमेंट नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करिएगा हमारे साथ, क्योंकि कमेंट जो है किसी का आ नहीं रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कमेंट नहीं आ रहा है भैया किसी का, आप तक कमेंट करिएगा क्योंकि कमेंट जो है किसी का आ नहीं रहा है।